सत श्री अकाल, मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला एक नज़र पाउने आ अज दियां खास खास खबरां ते। अमृतपाल सिंह दी एक होर वीडियो सामने आउण दी कंसो। पंजाबी जागरण दी खबर मुताबक अमृतपाल ते पप्पलप्रीत अलग अलग पासे भज्जे, हुण किसे वेले भी हो सकदी है अमृतपाल सिंह दी गिरफ्तारी। अमृतपाल वालों वरती स्कॉर्पियो के मालक का लग्या पता। पीली भीत के गुरद्वारा साहब के ग्रंथी के नाम से रजिस्टर्ड है गड्डी। इस गड्डी नूं 6 महीने पहला एक सेवादार लैके गया सी। अमृतपाल मामले ते ज्ञानी हरप्रीत सिंह का बयान। जथेदार ने कहा कि यह पूरा घटनाक्रम समझ तो परे, इस विच राजनीति भी हो सकती है, सरकार कोल पहुँच रही जानकारी का सोर्स पता नहीं। सिमरनजीत सिंह मान ने दी अमृतपाल सिंह नूं सलाह। मान ने कहा नेपाल जाण दी कोई लोड़ नहीं, तुहानूं रावी दरिया पार करके पाकिस्तान जाना चाहिए है, ISI स्वागत करने लिए तैयार। नवजोत सिंह सिद्धू की कल हो सकती है पटियाला जेल तो रिहाई। सिद्धू के अधिकारित ट्विटर हैंडल तो दी गई जानकारी। सुखपाल खहरा ने कहा सरकार नूं 26 जनवरी ही सिद्धू नूं रिहा कर देना चाहिए सी। ते हुण खबरां दा विस्थार। अमृतपाल सिंह दी एक होर वीडियो सामने आई है। मीडिया रिपोर्टां मुताबक मंगलवार रात जदों पुलिस अमृतपाल सिंह दा पिछा कर रही सी तां उस वेले गिरफ्तारी तो बचण लई गुरद्वारे च गड्डी खड़ी करके अमृतपाल ते पप्पलप्रीत अलग अलग हो गए सन। पुलिस ने काफ़ी मुशक्कत तो बाद इस दी वीडियो हासिल की है। वीडियो च अमृतपाल वक्रे रस्ते तो भजदा दिखाई दे रहा, जबकि पप्पलप्रीत वक्रे रस्ते तो निकलता होया नज़र आ रहा है। पुलिस इन्हां नूं गिरफ़्तार करन नेड़े पहुँच गई सी, पर खेतां विच्चों दोवां ने दो रस्ते फड़ लए। इस तो बाद अमृतपाल ते पप्पलप्रीत अलग हो गया। दोवें करीब 5 तों 8 किलोमीटर अगे जाण तों बाद वख-वख ज़िलिआं नूं निकल गए। यही वजह सी कि दोवां नूं गिरफ़्तार करन लई पुलिस ने काफ़ी समय तो फगवाड़े च डेरा लाई रख्या सी, पर अमृतपाल अमृतसर वल निकल गया सी। पुलिस नूं 12 घंटे बाद भी इस दी जानकारी नहीं मिल सकी। पुलिस कोल इस दी जानकारी नहीं है कि इस समय कित्थे ने। जांच च शामिल अधिकारियों का कहना है कि अमृतपाल नूं जल्द ही गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। जलंधर तो हरियाणा ते दिल्ली हुंदिया होया उत्तराखंड पहुंचा अमृतपाल सिंह सख्ती कारण सोमवार नूं ही पंजाब वापस आ गया सी। वह उत्तराखंड तो जिस स्कॉर्पियो च फगवाड़ा पहुंचा सी वह पीली भीत के गुरद्वारे के ग्रंथी जथेदार मोहन सिंह के नाम से रजिस्टर्ड है। गुरद्वारे के ग्रंथी का कहना है कि उसका एक सेवादार जोगा सिंह उस कोलों 6 महीने पहला गड्डी लैके गया सी। स्कॉर्पियो अमृतपाल तक किवें पहुंची इस बारे उन्हां नूं नहीं पता। दूजे पासे अमृतपाल दी एक होर वीडियो जारी होण तों बाद पंजाब पुलिस एक्शन च है। पुलिस उस तक पहुंचण दी पूरी कोशिश कर रही है, जिस तहत हुण पंजाब दे 300 तों वध डेरियां च सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अमृतपाल सिंह दी भाल अजे भी जारी है। इस दौरान पुलिस दे वलों हर पक्ष तो जांच करके सबूत इकट्ठे किते जा रहे ने। बीते दिनी फगवाड़ा विखे एक स्कॉर्पियो गड्डी दी बरामदी हुई सी, जिस नूं लेके खदशा सी कि इस नूं अमृतपाल ने फगवाड़ा पहुंचण दे लई इस्तेमाल किया सी, पर हुण इस स्कॉर्पियो गड्डी दा संबंध एक धार्मिक स्थान दे नाल जुड़ के सामने आया है। हासिल हुई जानकारी तो पता चलिया है कि यह स्कॉर्पियो गड्डी पीली भीत दे बड़ेपुरा गुरुद्वारे च तैनात जथेदार अते गुरुद्वारे दी ग्रंथी मान सिंह दे नाम उत्ते रजिस्टर्ड है। इस बारे ग्रंथी मान सिंह ने पुलिस को अपने बयान दर्ज करवाई नहीं। ग्रंथी सिंह ने यही गल आखी है कि मेरी गड्डी किवें अमृतपाल सिंह को पुजी उन्होंने कुछ नहीं पता। उन्हें भी दसिया कि पिछले 6 महीने पहला एक सेवादार मेरे को गड्डी लेके गया सी। अभी तक कोई उनके सोच बंद है, ये नहीं पता मैं कहाँ आया कैसे। और यहाँ और भी गाड़ियाँ हमारे नाम है, 20-25 गाड़ियाँ हैं और डेरों में एक दूसरे जगह हम गाड़ियाँ जाती रहती हैं, जहाँ भी व्यवस्था की जरूरत होती है कई बार भेज देते हैं, जहाँ भी सामान के लिए सामान पहुँचाना लाना सारा ये गाड़ियों का। और हम 24 घंटे दरवाजे लंगरों के खुले रहते हैं हर धर्म के लिए। सारे धर्म हमारे लिए सम्मानीय हो गए, हर धर्म का हम सत्कार करते हैं और सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। और सारे ही धर्मों के लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, रहने के लिए, खाने के लिए और हर व्यवस्था मौजूद है। और हम वहीं गुरुद्वारे में ही बोलेंगे वाहेगुरु जी का खालसा। जानकारी मुताबिक अमृतपाल सिंह फगवाड़ा तो स्कॉर्पियो छड़ के इनोवा गड्डी दे विच फरार होया सी। फिलहाल अमृतपाल सिंह पुलिस दी गिरफ्त विच बाहर है। एक पासे पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, उठी दूजे पासे अमृतपाल एक तो बाद एक वीडियो जारी कर रही है। अमृतपाल सिंह दी हाल ही विच एक होर वीडियो जारी हुई है, जिस दे विच उन्हां कहा है कि ओह जल्दी ही संसार दे सामने आउणगे। इस तो पहला अमृतपाल सिंह दी एक होर कथित ऑडियो सामने आई सी, जिस विच उन्हां ने जारी अपनी
वीडियो उते सवाल चुकण वालियां नूं जवाब दिता सी। नाल ही अमृतपाल सिंह ने जथेदार हरप्रीत सिंह नूं सरबत खालसा बुला के जथेदार होण दा सबूत पेश करन दी वी चुनौती दिती है। होर तां होर अमृतपाल सिंह ने पुलिस नूं वी चुनौती दिती है ते कहा कि ओह गिरफ्तारी तों नहीं डरदे पर बगावत दे राह ते अजिहियां मुश्किलां दा सामना करना पैंदा है। नाल ही अमृतपाल ने इह वी स्पष्ट कर दिता है कि मैं विदेश भजण नहीं जा रिहा ते ना ही मैं अपनी वाल कटी नहीं। वारस पंजाब दे संस्था दे मुखी अमृतपाल सिंह विरुद्ध चल रही कार्रवाई तो बाद श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दा बयान सामने आया है। एक यूट्यूब चैनल ते इंटरव्यू दिंदे हुए जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अमृतपाल सिंह दे मामले नूं समझ तो परे दस्या। इस दे नाल ही सीएम भगवंत मान दे बच्चियां नाल बदसलूकी दे मामले ते भी अफसोस प्रगट कीता। इस इंटरव्यू च जदों ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं पुछा गया कि की अमृतपाल सिंह 6 महीने पहला पंजाब विच आया सी ते हुण इह स्थिति पैदा हो रही है। इस ते ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि अमृतपाल सिंह दा मामला समझ तो परे है, इस विच भी कुछ राजनीति हो सकती है। कदे श्री अकाल तख्त साहिब ते कदे दमदमा साहिब विखे आत्म समर्पण दीआं गल्लां हुंदीआं ने। इह देखणा बाकी है कि इह गल्लां मीडिया जां सरकार तक कौन पहुँचाउंदा है। संगरूर तो लोक सभा मैंबर ते श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे प्रधान सिमरनजीत सिंह मान ने अमृतपाल सिंह नूं पाकिस्तान जाण दी सलाह दित्ती है। सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि अमृतपाल नूं आत्म समर्पण नहीं करना चाहिए, वह रावी दरिया पार करके पाकिस्तान चला जाए। सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि असी 1980 विच ही पाकिस्तान गए सी। मान ने यह गल्लां एक मीडिया अदारे नाल गलबात दौरान कहीं। उन्हां अगे कहा कि अमृतपाल नूं नेपाल जाण दी की लोड़ है, उसनूं गुआंढी मुल्क पाकिस्तान जाना चाहिए, उसनूं नेपाल वल भजण दी लोड़ नहीं सी। अमृतपाल आराम नाल रावी दरिया पार करके पाकिस्तान जा सकता है, उत्थे दी खुफिया एजेंसी ISI अमृतपाल दी मदद कर सकती है। ऑपरेशन अमृतपाल दौरान होईयां नौजवानां दीआं गिरफ्तारियां दे विरोध च श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों अज अमृतसर च रोस मार्च कढ़िया गया। इस मार्च की अगवाई SGPC के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी वालों की गई। इस मौके सिख नौजवानों खिलाफ NSA तहत दर्ज किए गए नजायज़ परचे रद्द करन अते उन्हां नूं रिहा करन दी मांग की गई। श्रोमणी कमेटी वालों इस संबंधी डिप्टी कमिश्नर नूं मांग पत्र भी सौंपया गया। प्रदर्शन करन दियां इह तस्वीरां अमृतसर दियां ने जिथे सिख नौजवानों खिलाफ NSA तहत किए गए नाजायज परचे हटाउण अते गिरफ्तार किए गए नौजवानों नूं रिहा करवाउण दे लई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों शांतमई प्रदर्शन करदियां अमृतसर दे डिप्टी कमिश्नर नूं मंग पत्र सौंपिया गया। रोस मार्च दी अगवाई श्रोमणी कमेटी दे प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी दे वालों की गई है। सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने एक अकाल तख्त ते विशेष जिहड़ी एकत्रता कीती सी, नाल सरकार नूं एक अल्टीमेटम भी दिता सी कि 24 घंटिया दे विच ये जिहड़ा जिन्ने इनोसेंट बेकसूरे उन्हां सारे नूं रिहा किया जाएगा। पहलां तां सानूं इस गल का अफसोस आ कि सिंह साहब का जिहड़ा उह ट्विटर सीगा जिहदे तों उन्हें सदर पत्ते दिते सी, उह सदा पत्र ही जिहड़ा उह ट्विटर बंद कर दिता गया। तो मैं समझदा सिंह साहब श्री अकाल तख्त साहब का होवे तो फिर एवं जी घिनौनियां हरकतें करके ये शोभा नहीं दिंदियां। चलो चंगी गल सी पंजाब सरकार ने भी वो जड़े बेकसूरियां दे विच पूरे नहीं पर बहुत सारे जड़े 57 दे विच प्रिवेंटिव मेजर फड़े सी वो सारे जमानतां ते रिहा कीते। साडी अज मुख मंग आ सरकारां लई कुछ भी गल नहीं हुंदी कि वो 57 वाले जिन्हें जमानतां ते रिहा किते उन्होंने डिचार्ज कर दिता जाए। उस तों इलावा जिहड़े साडे NSA दे विच बाहर पंजाबों भेज दिते गए आ उन्हां नूं भी जां तां पहला पंजाब विच शिफ्ट किए जाण, जे पंजाब च नहीं शिफ्ट किए जाते तो उन्हां नूं कानूनी जिहड़ी साडी इमदाद हुंदी आ उह मुहैया की जाए। पंजाब स्टेट उत्थों इजाजत लै के देवे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं भी। दसनयोग है कि ऑपरेशन अमृतपाल तहत अमृतपाल खुद ता पुलिस नूं चकमा देके फरार हो गया पर इसे दरमियान उसदे कई साथी अते समर्थक पुलिस दी गिरफ्त विच आ गए ने। होर तां होर पुलिस दे वल्लों शक दे घेरे विच आउण वाले हर व्यक्ति नूं गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस तों बाद हुण श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों सिख नौजवानों खिलाफ जो NSA तहत नाजायज परचे दर्ज किए गए ने अते उन्हां नूं गिरफ्तार किया गया उन्हां दी रिहाई दे लई अज रोस प्रदर्शन किया गया। होर तां होर बीते कुछ दिन पहला जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब वल्लों पंजाब सरकार नूं अल्टीमेटम
अल्टीमेटम भी दिता गया सी कि गिरफ्तार किए गए बेकसूर नौजवान रिहा किए जान। हालांकि इस तो बाद पंजाब सरकार ने यह जानकारी भी साझी की सी कि 360 नौजवानों के विचों 348 नौजवान रिहा कर दिए जा चुकी है। पंजाब कांग्रेस के सबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू भड़के रिहा होंगे। इस दी जानकारी नवजोत सिंह सिद्धू दे अधिकारत ट्विटर हैंडल ते सांझी कीती गई है। दस दिए कि 34 साल पुराने रोडरेज मामले च नवजोत सिद्धू नू 1 साल दी सज़ा सुनाई गई सी, जिस तो बाद सिद्धू ने 20 मई नू अदालत च आत्म समर्पण कीता सी। इस मौके जो पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग नू इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि चंगी गल है जेकर नवजोत सिंह सिद्धू बाहर आ रहे हैं। 34 साला पुरानी रोड रेज मामले दे विच पटियाला जेल च बंद पंजाब कांग्रेस दे साबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू कल यानी कि 1 अप्रैल नू रिहा होण जा रहे नी। इस दी जानकारी नवजोत सिंह सिद्धू दे ट्विटर अकाउंट ते दिती गई है, जिस दे विच लिखा गया कि सब नू सूचित किया जांदा है नवजोत सिंह सिद्धू भलके पटियाला जेल तो रिहा हो जाणगे। इस संबंधी जानकारी बकायदा संबंधित अधिकारियों वल्लों दिती गई है। इस तों इलावा जिला कांग्रेस पटियाला दे साबका प्रधान नरेंद्र लाली ने इस दी पुष्टि करदिया कहा कि सिद्धू दी रिहाई नू लै सारियां तैयारियां मुकम्मल कर लिया गई ने। उन्होंने दसिया कि जेल चो रिहा होने तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू पहला गुरुद्वारा दुखनिवारण साहिब अते इतिहासिक काली माता मंदिर दे विच मत्था टेकन लई जाणगे। इस दौरान जदो अमृतसर पहुंचे पंजाब कांग्रेस दे प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग तो नवजोत सिंह सिद्धू दी रिहाई दा सवाल पुछा गया तो उन्होंने अपना की जवाब दिता आओ जाणदियां। देखो जी, बहुत खुशी दी गल है, साडे कांग्रेस दे लीडर है, साडे साथी है, वो रिहा हो रहे हैं। इस तो खुशी की गल साडे वास्ते कोई नहीं हो सकता। जिथे तक प्रोग्राम का इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है, पर जो भी कदे किसी व्यक्ति नू कांग्रेस के साथी नू, चाहे वह सिद्धू साहब है, चाहे भारत भूषण आशू जी है, चाहे वह होर कोई व्यक्ति है, जदों भी कदे लोड़ पई है आवाज़ मारी है, असीं आपदे साथियों के नाल हमेशा खड़े हुए हैं। लेकिन इस तरह का कोई कार्यक्रम हजे इस तरह का नहीं है और ना ही कदे इवें दे प्रोग्राम बने हैं। कोई भी साथी नवजोत सिंह सिद्धू नूं कई वारी जांदे आ, कोई आ गया लैण जांदे आ, पर असीं उन्हां दा वेलकम करदे आ। परमात्मा उन्हां नूं चढ़दी कला रखे, तंदुरुस्ती बख्शे। नहीं, मेरे बहुत सारे होर प्रोग्राम ने, लेकिन मेरा कोई, मैं कह रहा कि मैनूं बेहद खुशी है कि नवजोत सिंह सिद्धू जी आपदी सज़ा कट के वापस आ रहे ने। परमात्मा उन्हां नूं चढ़दी कला रखे, तंदुरुस्ती बख्शे। दस दईए कि 34 साल पुरानी रोड रेज मामले दे विच नवजोत सिंह सिद्धू नूं 1 साल दी सज़ा सुनाई गई सी, जिस तों बाद सिद्धू ने 20 मई नूं अदालत दे विच आत्म समर्पण कर दिता सी। इस तों पहला नवजोत सिंह सिद्धू नूं 26 जनवरी नूं रिहा करन दीआं चर्चावां चलीआं सी, पर उदों उन्हां नूं रिहा नहीं कीता गया सी। पर हुण कल यानी 1 अप्रैल नूं नवजोत सिंह सिद्धू बाहर आ रहे ने। नवजोत सिंह सिद्धू नूं पूरी सज़ा दौरान कोई छुट्टी ना लैण दा लाभ मिल सकदा है। दरअसल उन्हां ने पूरे साल दौरान कोई छुट्टी नहीं लई सी, जिस कारण हफ्ता अते होर ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ NDPS ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ 1 ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ 51 ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 51 ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਸਮੇਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਲਾਭ
मिल सकता है। दरअसल उन्होंने पूरे साल अपनी सजा दौरान कोई छुट्टी नहीं ली सी, जिस कारण हफ्ता अते होर सरकारी छुट्टियां कटिया जान कारण यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह 1 अप्रैल नु बाहर आ सकते नहीं। पर इस दे नाल ही ए वी खबरां आ रही ने कि नवजोत सिंह सिद्धू 1 अप्रैल नहीं बल्कि 13 अप्रैल नु विसाखी वाले दिन रिहा हो सकती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जेल विभाग तो नवजोत सिंह सिद्धू दे जेल रिकॉर्ड का ब्यौरा मंगया सी। हुण वेखना होवेगा कि नवजोत सिंह सिद्धू कल यानी कि 1 अप्रैल नु रिहा हुंदे ने जां फिर 13 अप्रैल नु विसाखी वाले दिन नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई हुंदी है। चंडीगढ़ विखे पंजाब कैबिनेट की अज एक अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग दौरान कई अहम फैसले लै गए। मीटिंग तो बाद पंजाब दे कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ते अमन अरोड़ा वालों पत्रकारां नूं संबोधन किया गया। इस मौके उन्हां जानकारी सांझी कीती कि किसानां नूं 100% नुकसान लई 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने लई मंजूरी कैबिनेट वालों दित्ती गई है। इस तों इलावा जिन्हां लोकां दे घर पूरी तरह नाल ढह गए ने उन्हां नूं 1,20,000 रुपए दित्ते जाणगे। ते इस दे नाल ही कैबिनेट मीटिंग दौरान 30 अप्रैल तक पुराने रेट ते रजिस्ट्री करवाउण दा मौका दित्ता गया है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई हेठ अज पंजाब मंत्री मंडल की एक अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग दौरान सूबे दे वख-वख मुद्दयां नूं लेके विचार चर्चा की गई है। मीटिंग खत्म होने तो बाद पंजाब दे कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल अते अमन अरोड़ा दे वल्लों प्रेस नूं संबोधन किया गया अते उन्हां ने मीटिंग दौरान लई गई अहम फैसलां बारे जानकारी सांझी की है। सो सरकार ने सब तो पहला फैसला किया जिहड़ा मान साहब ने अनाउंस किया सीगा, ओह कैबिनेट ने अज मतलब जिहड़ा उहनूं मंजूरी दे दित्ती है कि 15,000 पर एकड़ जिहड़ा असी मुआवजा जिहड़ा उह देवांगे, जिहड़ा 100% नुकसान होया होगा और जिहड़ा 33 तों 75 तक होया होगा उहनूं 6,800 रुपया मुआवजा जिहड़ा देवांगे। कि असी गिरदावरी सांझी जगह ते पिंड दे विच पिंड दे के चौंक च पिंड दे के गुरू घर विच पटवारी उत्थे बैठ के लोगों के सामने गिरदावरी करूँगा। जिस घर का थोड़ा बहुत नुकसान होया 5,200 रुपया जिहड़ा उहदी रिपेयर वास्ते देंगे और जिहड़ा घर बिल्कुल टुट गया, गरीब किसी बंदे का कच्चा घर बिल्कुल टुट गया उहनूं सरकार जिहड़ी 1,20,000 रुपया मतलब जिहड़ी उह देगी। जिहड़ा कणक झोने का बदल है वह सरकार ने तय किया कि असी ऐरक बासमती नूं तरजीह देवांगे और नरमे दे मतलब जिहड़ा एरिए वास्ते वधाउण वास्ते किसानां लई बीजां दे उत्ते 33% जिहड़ी सबसिडी दित्ती जाऊगी, जिहड़े बीज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाणा तों मानता प्राप्त होणगे। नकली दवाइयां बना रहे जी उहनां नूं सिद्धा जिहा इक मैसेज है कि जे अज तों बाद पंजाब दे विच किसे कंपनी ने फैक्टरी ने दवाई जाली बना के पंजाब दे विच वेचण दी कोशिश कीती ते उहदे खिलाफ जिहड़ा उह सख्त मतलब जिहड़ा असी मतलब जिहड़ी कारवाई करांगे उहनूं जेल च भेजांगे। तीजा जिहड़ा फैसला कीता उह पहलां अनाउंस वी कीता कैबिनेट ने उहनूं मानता दित्ती है कि जिन्ने कोऑपरेटिव बैंक ने इस मौसम करके नुकसान होण करके जिहड़े कोऑपरेटिव बैंक ने उहनां दे जिहड़े लोन ने छमाही किस्तां होंदियां लिमिटां वगैरह दियां उह वी असीं पोस्टपोन कीतीआं। अज एक अहम फैसला जिहड़ा साडी कैबिनेट ने लिया वह पंजाब दे विच जिहड़ा कनाल एंड ड्रेनेज एक्ट अज उस एक्ट नूं दुबारा रीबिल्ड किया गया कि किसान जिसनूं नहरी पानी की लोड़ है हक बनता वो उपर वह अज एप्लीकेशन देगा तो बड़ी जल्दी ही विद इन अ मंथ और 1.5 मंथ उन्हूं जिहड़ा नहरी पानी उहदे खेत तक पहुंचण दा इंतजाम है जिहड़ा उह सरकार इस एक्ट दे राही करन जा रही है। पिछले समय दे विच 1 महीने की एक्सटेंशन की गई, 1 महीने दा टाइम पीरियड दिता गया सीगा जिस दे तहत रजिस्ट्रियां दे रेट दे विच 2.25% की कटौती की गई सीगी। इस स्कीम नूं इस बेनीफिट नूं 1 महीने दे लई होर एक्सटेंड करन दा इहनूं कंटिन्यू करन दा फैसला जिहड़ा उह लिया। हुण लोक अपनी रजिस्ट्रियां जिहड़ियां 30 अप्रैल तक ਪੁਰਾਣੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ
केंद्र सरकार खिलाफ रोस प्रगट किया जा रहा है। इसे दे तहत पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग अमृतसर विखे पहुंचे, जिथे उन्हां वल्लों संविधान बचाओ मुहिम के नाल वध तो वध लोगों नूं जोड़न लई पार्टी आगुआं नाल मीटिंग की गई। इस दौरान पत्रकारां नाल गलबात करदिआं राजा वड़िंग ने केंद्र की मोदी सरकार से तिखे शब्दी हमले किए ने। इस दे नाल ही उन्होंने पंजाब के मौजूदा हालातों पर भी अपना प्रतिक्रम सांझा किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी की लोकसभा मैंबरशिप रद्द होने तों बाद कांग्रेस के सारे आगुआं विच केंद्र की भाजपा सरकार खिलाफ रोस पाया जा रहा है। इसे दरमियान संविधान बचाओ मुहिम नूं होर हमलावर बना के वध तों वध लोगों नूं इस नाल जोड़न दे लई अज पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग अमृतसर विखे पहुंचे, जिथे उन्हां वल्लों कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप के नाल मीटिंग की गई। मीटिंग तों बाद कांग्रेसी आगुआं वल्लों पत्रकारां नूं संबोधन किया गया अते इस दरमियान उन्होंने केंद्र सरकार नूं आड़े हाथी लिए। ओ बीजेपी तानाशाह जिहड़ी सरकार है उहदे खिलाफ असीं अज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पूरे पंजाब भर दे विच जिला हैडक्वार्टर से वख-वख लीडर साहबान जो घटनाक्रम पिछले दिनी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दे नाल होया उरे बारे थोड़े राही असी देश दे ते पंजाब दे लोगों नूं ये दसना चाहते हैं कि किस प्रकार ये तानाशाह बीजेपी की सरकार, ये तानाशाह देश का प्रधानमंत्री सच की आवाज दबाना चाहते हैं, किस तरह देश के प्रधानमंत्री लोकतंत्र के खात्मे वल ते संविधान नूं तोड़न दे वल तुर पए। किसी ना किसी तरीके च राहुल गांधी जी की छवि नूं खराब करन दा काम किया जा रहा। पहला भी राहुल गांधी जी किसानां दी लड़ाई करदे सी और किस प्रकार उन्हां दी छवि खराब कीती और उस तों बाद आ जदों तो यात्रा स्टार्ट कीती राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी तो कश्मीर तक की यात्रा, जिस यात्रा नूं देख के मैनू लगता कि बीजेपी बुखलाहट च है। इस दे नाल ही पंजाब दे विच अमृतपाल सिंह नूं लैके जो माहौल बनिया होया उस उत्ते भी राजा वड़िंग ने अपना प्रतिक्रम एक बार फिर तो सांझा किया है। मैं तो पहला भी कहा सी कि एक स्क्रिप्टेड स्टोरी है, जिस तरह कोई स्क्रिप्टेड फिल्म की स्टोरी होंदी है कहानी, ये पंजाब दे विच इस तरह का माहौल बनिया हुआ है। किस तरह ये सारे सिस्टम नूं अंजाम दिता जा रहा है जनता ये समझती है। मैं 4 महीने पहला 5 महीने पहला ये चिट्ठी लिखी सी कि ये तमाम जिहड़ा घटनाक्रम है एजेंसीज जिहड़ियां है वो इस घटनाक्रम नूं अंजाम दे रही हैं। मिशन चलाया गया अमृतपाल जी नूं फड़न वास्ते, अमृतपाल जी तो फड़े नहीं गए लेकिन बहुत सारे जिहड़े इनोसेंट लोग सीगे विचारे उन्हां नूं फड़न दा काम होया। मैं सरकार नूं पहला भी बेनती कीती सी, मेरा ख्याल बहुत सारे लोग रिहा भी कर दिते गए कि जिन्हां नूं फड़न वास्ते तुसीं मिशन चलाया गया सी उन्हां लोगों नूं तां फड़िया नहीं गया लेकिन आम इनोसेंट जो लोग सीगे उन्हां नूं फड़ लिया गया। पर इहदे नाल नाल मैं ये भी कहना है, असीं पहले दिन कहिंदे सी कि कोई व्यक्ति जिहड़ा गुनहगार है, चाहे वह राजा वड़ेंगा है, चाहे वह अमृतपाल जी है, चाहे कोई होर व्यक्ति है, किसी नूं भी कोई कानून तो वड्डा नहीं है, उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। सीनियर कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी की लोकसभा मैंबरशिप रद्द होने तों बाद कांग्रेसी आगुआं च बीजेपी खिलाफ रोस है। इसे दौरान लुधियाणा पहुंचे कांग्रेसी आगू राणा गुरजीत सिंह ने, जिथे केंद्र सरकार नूं सवालों के कटहरे च खड़ा किया, उत्थे ही उन्होंने पंजाब के मौजूदा हालातों लई सूबे की आप सरकार अते केंद्र दी भाजपा सरकार नूं जिम्मेवार ठहराया है। लुधियाणा दे विच अज कांग्रेसी आगू राणा गुरजीत दी तरफो विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस कीती गई। इस दौरान कांग्रेस दे सीनियर लीडर राणा गुरजीत ने राहुल गांधी दी लोकसभा मेंबरशिप रद्द होण नूं लैके कई सारे सवाल खड़े किए ने। लुधियाणे दे विच असीं राहुल गांधी जी दी मेंबर बतौर मेंबर पार्लियामेंट जिहड़ी सदस्यता रद्द कीती गई आ उहदे लई कीती आ और ये असी सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल दे
डिस्ट्रिक्ट जिथे भी हैडक्वाटर आ उत्थे असीं कर चुके हाँ। हुण वड्डे शहरां दे विच मार्च भी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, करेंगे लोगों नूं दस्सणगे कि डेमोक्रेसी का कान किवें हो रहा। वो देखो राहुल गांधी जी की सदस्यता 24 घंटे दे विच जिदा ही कोर्ट आर्डर करती आ, हाले उहदी ट्रांसलेशन हुंदी नहीं ऑर्डर की, उदों पहलां उहनां दी सदस्यता रद्द कर दिंदे आ। उहदे बाद उहनां नूं नोटिस चल जांदा कि घर वकेट कर दिओ। ठीक है, घर कोई एड्डी वड्डी गल नहीं, लेकिन जिस जल्दीबाजी च अज बीजेपी सरकार एडा वड्डा डेमोक्रेसी का कांड कर रही आ, उहनूं वेखदे होए साडियां सारियां पोलीटिकल पार्टियां हिंदुस्तान दियां उहनूं सारियां कट्ठियां होईयां और उन्होंने भी राहुल गांधी जी की जी सदस्यता रद्द की गई आ, उत्ते विरोध जताया अपना। ये सारा जो कुछ है ना ये गिणी मिथी साजिश आ। और अगर तुम वेखो कि होया क्यों, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जिहड़ी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, ते बीजेपी और मोदी सरकार नू इना सगा कि ये चलो यात्रा नू इन्हां नू रिस्पोंस नहीं मिलना। उत्थे सारियां जिधर जिधर राहुल जी गए, फाइनली पंजाब ते जम्मू कश्मीर च भी तुसीं वेख्या कि बड़ा जबरदस्त रिस्पोंस राहुल गांधी जी की उस यात्रा नू मिलिया। और इहदे नाल कांग्रेस एकजुट हो गई और कांग्रेस ने एकजुट हो के उन्हां दा स्वागत किया, लोगों ने भी स्वागत किया, जिहड़ी जिहड़ा उन्हां तों बीजेपी नू हजम नहीं होया। इस तो इलावा कांग्रेसी आगू ने पंजाब दे विच जो माहौल बनिया होया उसदे लई पंजाब दी आप सरकार अते केंद्र दी भाजपा सरकार नू जिम्मेवार ठहराया है। इह मंदभागा जो भी करा रहा गलत करा रहा, कौन की करा, कोई भी करा रहा, दोए सरकारां करा सकदियां, चाहे तो सेंटर वाली ते चाहे स्टेट वाली, इन्हां दोनों की जिम्मेवारी बनती आ। इन्हां को इंटेलीजेंस डिपार्टमेंट नहीं इन्ना कुछ जो करा तुहाडे सामने आ। हुण गल है कि भी जे अज अमृतपाल नूं प्रोजेक्ट किया जाता वो ठीक है, वह गलत है, वह तो समय दसूगा। हाँ जी, कोई अकाल तख्त साहब तो टिप्पणी कर रहा, लेकिन साडी पार्टी सैकुलर आ, साडा एजेंडा एक आ कि इत्थे सारे लोग बराबर है, चाहे कोई मिनोरिटी है चाहे कोई मेजोरिटी आ, सारे का हक आ पंजाब की अमन शांति चैन बरकरार रहना। ये मीडिया का और पोलीटिकल बंद का बहुत संजम च रह के बयान देने का वेला, हालात सही करन साडा योगदान होना चाहिए, बयान दे के भड़काने वाली गल नहीं होनी चाहिए। लख बंदे तो एक बंदा ना फड़िया जाए, लेकिन गल जो फड़ना सी उन्होंने घरों घरों भी फड़िया जा सकता सी। ये बहुत होर इन्हों का बड़ा बड़ी लंबी प्लानिंग लगती है। मैं कोई दस दईए कि पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी नू लेके लगातार छापेमारी कर रही है, इस दरमियान पंजाब दे विच तनावपूर्ण माहौल भी बनिया हुआ है। दसनयोग है कि अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी नू लेके जो पंजाब दे विच माहौल बनिया हुआ है वो काफी तनावपूर्ण है, पूरे सूबे दे विच हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया। हालांकि पुलिस लगातार उसके साथियों ते समर्थकों नू गिरफ्तार कर रही है, पर अजे भी अमृतपाल सिंह पुलिस की गिरफ्त तो बाहर है। ये सन हुण तक दीआं खबरां ते जांदे जांदे एक बार फिर नजर पाने मुख खबरां ते। अमृतपाल सिंह की एक होर वीडियो सामने आने की कंसो, पंजाबी जागरण की खबर मुताबक अमृतपाल ते पप्पलप्रीत अलग अलग पासे भज्जे, हुण किसी वेले भी हो सकती है अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी। अमृतपाल वालों वरती स्कॉर्पियो के मालक का लग्या पता, पीली भीत के गुरद्वारा साहब के ग्रंथी के नाम से रजिस्टर्ड है गड्डी, इस गड्डी नूं 6 महीने पहला एक सेवादार लैके गया सी। अमृतपाल मामले ते ज्ञानी हरप्रीत सिंह दा बयान, जथेदार ने कहा कि यह पूरा घटनाक्रम समझ तो परे, इस विच राजनीति भी हो सकती है, सरकार कोल पहुंच रही जानकारी दा सोर्स पता नहीं। सिमरनजीत सिंह मान ने दी अमृतपाल सिंह नूं सलाह, मान ने कहा नेपाल जाण दी कोई लोड़ नहीं, तुहानूं रावी दरिया पार करके पाकिस्तान जाना चाहिए है, ISI स्वागत करन लई तैयार। अते नवजोत सिंह सिद्धू की कल हो सकती है पटियाला जेल तो रिहाई, सिद्धू के अधिकारित ट्विटर हैंडल तो दिती गई जानकारी। सुखपाल खहरा ने कहा सरकार नू 26 जनवरी नू ही सिद्धू नू रिहा कर देना चाहिए सी। इस दे नाल ही अपने जसवीर नू दिओ इजाजत, सेहतमंद रहो, सुरक्षित रहो, तो देखते रहो TV पंजाब।